Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 8, handling information. इसमें आपके पास यूनिट 8 की नंबरिंग नहीं है, बट वी नो दैट हम इससे पहले यूनिट 7 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो वी कैन से यूनिट 8 हैंडलिंग इंफॉर्मेशन. इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न टू रीड एंड इंटरप्रेट अ पिक्चर ग्राफ. कि एक पिक्चर ग्राफ कैसा होता है, उसको रीड कैसे करते हैं. रीड एंड इंटरप्रेट द कॉलम ग्राफ, या फिर कॉलम ग्राफ क्या होता है. अब आपके पास टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होंगे. कुछ आपके पास पिक्टोग्राफ होंगे, मींस पिक्चर्स में. कुछ कॉलम ग्राफ में होंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल ग्राफ में होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we read about pictograph. What is pictograph? A picture graph or a pictograph is a pictorial representation of data. Pictograph एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आपके पास जो डेटा होता है, मीन्स के मटेरियल होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो पिक्चर्स की फॉर्म में एक टेबल में शो किया जाता है. इट यूजेस पिक्चर्स एंड सिंबल्स. इसमें पिक्चर्स तस्वीरें इस्तेमाल की जाती हैं एंड सिंबल्स और अलामतें टू रिप्रेजेंट, शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, नुमाइंदगी करने के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ किस्म की मालूमात और क्वांटिटीज और मकदार. मीन्स के आपसे पूछा जा सकता है कि इस जगह पे कितनी चीज़ यूज़ हो रही है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रही है. फिर वही चीज़ आपसे दूसरे टाइम में उसी जगह पे पूछी जाएगी. तो ये ग्राफ की मदद से हम शो करते हैं कि टाइम टू टाइम या फिर प्लेस टू प्लेस उसमें कितना उसमें डिफरेंस है. अ ग्राफ हेल्प्स अस सी डिफरेंसेस क्विकली एंड इजीली. एक ग्राफ हमें मदद देता है फ़र्क देखने बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से हम मुख्तलिफ चीज़ों में फ़र्क देख सकते हैं. अली is very fond of animals. अली को जानवरों का बहुत शौक है, मीन्स कि उसको जानवर बहुत अच्छे लगते हैं. At home, घर पर, he keeps the following pets. उसने ये कुछ पालतू जानवर रखे हैं. Pets mean पालतू जानवर. 4 dogs, 2 cats, 3 fish and 1 monkey. He can show his pets collection on a pictograph like this. उसके पास ये जो pets की collection है उसको वो graph में किस तरह show कर सकता है. देखें यहाँ पे dogs की pictures आएंगी, ठीक है. Dogs की pictures के नीचे, उस column के नीचे हमें लिखना होगा dogs. ये pictures represent कर रही हैं इस column को. डॉग्स इस कॉलम के नेम को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरह यहाँ पे कैट्स की पिक्चर्स हैं, नीचे उसका नेम गिवन है. सिमिलरली फिशेस एंड मंकी. ये हमारे पास किसी भी कलेक्शन को, किसी भी बहुत सारा मटेरियल जब आ जाता है और उसको ग्राफ में किस तरह से शो करते हैं, वो भी पिक्टोग्राफ पिक्चर्स में इस तरह से शो किया जाता है. Now we are going to solve example related to pictograph.
हमने पिक्टोग्राफ देखा कि वो किस तरह का होता है। अब उससे रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड फाइंड द आंसर्स ऑफ द रिलेटेड क्वेश्चंस। आपके पास एक ग्राफ गिवन है, आपने उस ग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस ग्राफ की मदद से। ईच पिक्चर शोज हाउ वन चाइल्ड गोज टू स्कूल। आपके पास जो पिक्चर्स हैं वो ये शो कर रही हैं कि हर बच्चा स्कूल किस तरह से जाएगा। कोई वॉक करके जाएगा, कोई कार के जरिए जाएगा, कोई साइकिल पे जाएगा, कोई बस पे। फोर कैटेगरीज हैं हमारे पास। वॉक करके कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कार में कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, साइकिल पे कितने जा रहे हैं, एंड लास्ट वन है बस। हमने इस ग्राफ की मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आपके पास ये की जो गिवन है उसमें क्या है, ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स। इट मीन्स कि जो आपके पास एक पिक्चर होगी वो नंबर 10 को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स कि अगर एक स्टूडेंट वॉक कर रहा है तो आंसर होगा 10, क्योंकि एक स्टूडेंट की पिक्चर 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर एक कार जा रही है, एक कार में स्टूडेंट जा रहा है, तो इट मीन्स कि 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम बाय बस, के बस में कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बस की तरफ कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मीन्स बस को यूज करके स्कूल जा रहे हैं। तो बस में देखें कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 3 बसेस हैं। ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स। अगर एक पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट कर रही है तो बस में, अगर इस बस में भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, क्योंकि एक एक स्टूडेंट नहीं 10 स्टूडेंट्स। तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30। इट मीन्स कि बस में 30 स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी बुक पे ही आंसर लिखेंगे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल। वो कहते हैं कि कितने बच्चे वॉक करके स्कूल जा रहे हैं। कि आपको पिक्चर पे, आपको यहाँ पे देखना होगा वॉक वाले कॉलम में कितने स्टूडेंट्स वॉक करके स्कूल जा रहे हैं। ये हैं 1, 2, 3, 4, 5। ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 10। तो एक पिक्चर में अगर यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50। इट मीन्स कि 50 स्टूडेंट्स वॉक करके स्कूल जाते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, 50। नेक्स्ट है, हाउ मैनी चिल्ड्रन यूज बाइसिकल्स। बाइसाइकिल कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, बाइसाइकिल कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे साइकिल वाले कॉलम में आए, 3 साइकिल्स हैं, ईच रिप्रेजेंट 10, 10, 20 एंड 30। इट मीन्स कि 30 स्टूडेंट्स बाइसाइकिल यूज करके स्कूल जा रहे हैं। आंसर इज 30। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम बाय कार। कार की तरफ कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मीन्स के कार को कितने स्टूडेंट्स यूज करके स्कूल जा रहे हैं। 4 कार्स हैं, हर पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या होगा, 10, 20, 30, 40। कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं कार, 40 स्टूडेंट्स कार को यूज करके स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड
most of the children come to school. किस तरह से ज़्यादातर बच्चे स्कूल जा रहे हैं? ज़्यादा नंबरिंग में स्टूडेंट्स कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं? तो हमारे पास वो है 50 स्टूडेंट्स जो कि वॉक करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे? वॉक। वॉक करके ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने हमसे पूछा था कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर कौन से मेथड से, किस तरह से जा रहे हैं स्कूल में? वॉक। एग्जाम्पल वन इज कंप्लीटेड। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जिस ग्राफ में आपके पास पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा गिवन होता है उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉलम ग्राफ। व्हाट इज कॉलम ग्राफ? अब कॉलम ग्राफ में आपके पास कॉलम गिवन होंगे, जितने कॉलम उसमें फिल होंगे, कॉलम्स में जितने उसमें जो ब्लॉक्स फिल होंगे उस नंबरिंग पे इट मींस के वो काम हुआ होगा। अब उसमें पिक्चर्स नहीं होंगी, साथ आपके पास नंबरिंग गिवन होगी, आपने उस नंबरिंग की मदद से चेक करना होगा कि ये काम कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। पिक्चर ग्राफ्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्रॉ। वो कहते हैं कि पिक्चर जो ग्राफ होता है, मींस पिक्टोग्राफ, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत सा टाइम चाहिए होता है। अली फाइंड्स इट सिंपलर टू शो हिज फैट कलेक्शन इन ब्लॉक्स लाइक दिस। अब पहले अली ने जो कलेक्शन शो की थी पिक्टोग्राफ में, वही सेम कलेक्शन वही होगी। वो कहता है जो हमारे पास यहाँ पे तो ये अली की कलेक्शन नहीं थी, जो हमने प्रीवियस पेज पे 205 पे अली की कलेक्शन देखी थी, डॉग्स, कैट्स, फिश एंड मंकीज, कलेक्शन ऑफ पेट्स, उसको वो ग्राफ में शो करेगा और कॉलम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जो आपके पास पिक्टोग्राफ होता है, पिक्चर ग्राफ, वो टाइम ज़्यादा लेता है ड्रॉ करने में पिक्चर्स। आप देखें ये ग्राफ किस तरह से बना हुआ है। आपके पास आपने फोर, आपके पास टोटल चीज़ें हैं, एनिमल्स आपके पास कितने हैं? फोर। आप फोर कॉलम्स बनाएं, एक कॉलम का नेम रखें डॉग्स, दूसरे का पेट्स कैट्स, तीसरे का फिश एंड फोर्थ वन मंकीज। और यहाँ पे इधर आप लोगों ने नंबरिंग लिखनी है कि 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपके पास वो फिलिंग कर दी गई है। आपने बताना है यहाँ से देख के कि कितने आपके पास, उसने आपसे पूछा जाएगा उसने उसके पास डॉग्स कितने थे। आपने फिल जो ब्लॉक्स हैं वो चेक करने होंगे, जितने फिल्ड ब्लॉक्स होंगे उतने उसने डॉग्स रखे होंगे, इसी तरह बाकी सेम भी। वी कॉल दिस अ ब्लॉक ग्राफ और कॉलम ग्राफ। हम इस ग्राफ को ब्लॉक ग्राफ या फिर कॉलम ग्राफ कह सकते हैं। लुक एट अलीस ब्लॉक ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। वो कहते हैं कि अली ने जो ब्लॉक ग्राफ बनाया है उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, आपने वहां से देख के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी मोर डॉग्स देन फिश। फिश से डॉग्स कितने ज्यादा हैं? तो देखें हाउ मैनी मोर डॉग्स, फिश की निस्बत डॉग्स कितने ज्यादा हैं। तो फिशेस कितनी हैं, हम कॉलम्स में चेक करेंगे कितने ब्लॉक्स पे लें, 1, 2, 3। डॉग्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो डॉग्स कितने ज्यादा हुए, एक। एक डॉग फिश की निस्बत ज्यादा है, आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फ्यूअर कैट्स देन फिश। फिश के मुकाबले में कैट्स कितनी कम हैं? पहले उन्होंने पूछा था कि फिश के मुकाबले में डॉग्स कितने ज्यादा हैं, क्योंकि डॉग्स ज्यादा थे। अब फिश के मुकाबले में कैट्स कितनी कम हैं? तो कैट्स कितनी हैं, 1, 2।
फिशेस कितनी हैं? 1, 2, 3. तो कैट्स कितनी कम हैं? 1. इसका भी आंसर क्या होगा? कम, क्योंकि कैट्स 2 हैं, फिशेस 3 हैं, तो एक कैट कम है. नेक्स्ट, हाउ मैनी मोर डॉग्स देन मंकी? मंकी की निस्बत डॉग्स कितने ज्यादा हैं? मंकी कम है, डॉग्स ज्यादा हैं, लेकिन डॉग्स कितने ज्यादा हैं? मंकी हमारे पास कितनी है? मंकीज 1. डॉग्स कितने हैं वो हमने पहले भी चेक किया था, 4. तो फिर डॉग्स कितने ज्यादा हुए? मंकीज की निस्बत मंकी 1 है, डॉग्स 4 है. तो डॉग्स कितने ज्यादा हुए उससे? 3, क्योंकि एक तो मंकी भी है लेकिन 2, 3, 4 वो नहीं है. तो 3 डॉग्स ज्यादा हैं मंकी की निस्बत. नेक्स्ट लास्ट वन आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेट्स ऑल टुगेदर? टोटल पेट्स कितने हैं? टोटल उनका कितना है? तो टोटल कितने थे हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल हमारे पास पेट्स कितने हैं? 10. अब देखिए, हमने टोटल कहा था तो हमने तमाम नंबर ऑफ पेट्स को, ऑल नंबर ऑफ पेट्स को ऐड कर लिया. आंसर इज 10. टोटल उसने कितने पेट्स रखे हैं? 10. एग्जाम्पल 2 इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 आपको खुद सॉल्व करनी होगी, जैसे मैंने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 सॉल्व की है, इसी तरह आप एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे. मैं आपको कुछ गाइड कर देती हूँ, आपने आंसर जिसके खुद लिखने होंगे बुक पेज 207 पे. लुक एट द ग्राफ एंड आंसर्स द क्वेश्चंस. दिस कॉलम ग्राफ शोज द बर्थडेज ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ क्लास. एक क्लास में वो कहते हैं कि कुछ बहुत सारे बच्चों की जो बर्थडेज हैं वो रिप्रेजेंट की गई हैं, तो हमने देखना है कि किस मंथ में कितने बच्चों की बर्थडे होती हैं, और फिर सेकंड वन में भी. हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव देयर बर्थडेज इन मई? वो कहते हैं कितने बच्चों की बर्थडे मई में होती हैं. तो आपके पास मई किधर है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई. मई में आपके पास कितने स्टूडेंट्स की बर्थडे होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. आप यहां से चेक कर सकते हैं, देखें 7 के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में जाके देखें सामने क्या लिखा है, 7. सो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? 7. यहां पे मैं इसका आंसर लिखता हूं पार्ट ए, 7. मई में 7 चिल्ड्रन की बर्थडे होती है. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव देयर बर्थडेज इन सेप्टेम्बर? सेप्टेम्बर में कितने स्टूडेंट्स की, कितने चिल्ड्रंस की बर्थडे होती है? ये हमारे पास है सेप्टेम्बर का मंथ, 1, 2 एंड 3. आप इसके हॉरिजेंटल में भी इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, सामने क्या लिखा है, 3. ये सेप्टेम्बर में कितने बच्चों की बर्थडे होती है? 3. आंसर क्या होगा? उन्होंने पूछा था सितंबर में कितने बच्चों की बर्थडे होती है, द आंसर इज 3. विच मंथ हैज द मोस्ट बर्थडेज? वो कौन सा मंथ है जिसमें सबसे ज्यादा बर्थडेज होती हैं? टोटल यहां पे देखें 7 चिल्ड्रंस तक गिवन है, और 7 स्टूडेंट्स की, 7 चिल्ड्रंस की सबसे ज्यादा बर्थडेज हो रही है किसमें? मई में. यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे? मई. विच मंथ हैज द मोस्ट बर्थडेज? मई. मई में सबसे ज्यादा बर्थडेज होती हैं इस क्लास के जो चिल्ड्रन से. विच मंथ हैज द फ्यूएस्ट बर्थडेज? सबसे कम किस महीने में बर्थडेज बताई गई हैं इस ग्राफ में? दैट इज मार्च. देखें मार्च में सिर्फ एक बच्चे की बर्थडे हो रही है,
अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ? यहाँ पे आंसर में आप क्या लिखेंगे? वन, सॉरी मार्च, यहाँ पे लिखेंगे मई, क्योंकि मई में सबसे ज्यादा बच्चों की बर्थडे होती है। यहाँ पे लिखेंगे मार्च, क्योंकि मार्च में सबसे कम बच्चों की बर्थडे हो रही है। नेक्स्ट, हाउ मैनी बर्थडेज आर देयर इन अप्रैल, मई एंड जून टेकन टुगेदर? वो कहते हैं अप्रैल, मई और जून, इन सब को मिला के बताएं कि टोटल इनमें कितनी बर्थडेज हो रही हैं। टोटल करना है तो सबको ऐड करना होगा। ये थ्री अप्रैल में हो रही है, सेवन मई में हो रही है, सेवन प्लस थ्री टेन, और सिक्स आपके पास हो रही है जून में, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन। तो टोटल अप्रैल, मई और जून में टोटल करके हमने चेक किया कितनी बर्थडेज हो रही है, सिक्सटीन। लास्ट वन आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर ऑल टुगेदर इन द क्लास? क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? अब आपने ये भी चेक करना होगा कि आपके पास इस ग्राफ की मदद से आपने ये चेक करना है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस कितने हैं। जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि टोटल मंथ में, इन तीनों मंथ्स में कितने बच्चों की बर्थडेज हो रही हैं, आपने बताना है कि क्लास में टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं। आपके पास ये सिक्स क्वेश्चन थे, तीन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तीन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपने खुद लिखने हैं। लास्ट का आंसर आपने खुद लिखना है, इन दो का आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपके पास आएगा मई, सी में, और डी में आएगा मार्च। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्टोग्राफ एंड कॉलम ग्राफ एंड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दीज ग्राफ्स आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।